September टेन टुडे इज़ वर्ल्ड Suicide Prevention डे And वर्ल्ड Suicide Prevention डे 2021 से लेकर 2023 तक का जो हमारा थीम है दैट इज़ क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन यानी कि हमें अपने एक्शन के द्वारा एक आशा की किरण ऐसे लोगों तक पहुंचानी है जो सिविय स्ट्रेस एनजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है और उनके मन में कभी भी ये नेगेटिव ख्याल ना आए कि उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना है बहुत बहुत दुख की बात है कि इस पूरे विश्व में सात लाख तीन हज़ार से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं और जब एक व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके साथ बीस ऐसे लोग हैं जो उस अटैम्प्ट के बारे में सोच रहे होते हैं एंड उसी समय कई ऐसे लोग हैं जो सिवियर स्ट्रेस और डिप्रेशन को लाइफ में फेस कर रहे होते हैं वेल इज़ ह्यूमन बींग आई बिलीव हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी को कुछ दे सकें या ना दे सकें लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तो दे ही सकते हैं एक लिसनिंग ईयर तो हम दे ही सकते हैं और अगर हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम किसी के भी दुख का कारण ना बने क्योंकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वाई वाई ऐसा थाट क्यों आता है मन में वाई पीपुल थिंक लाइक दैट दे बिकम सो नेगेटिव इन लाइफ दैट दे थिंक पुरिंग द ओन लाइफ टू एन एंड सो जब हमने बहुत इस पर सोचा आई रियलाइज दैट इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कहीं कही ना कहीं उनका विल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सबका विल पावर दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है किसी की मजाक में भी कही हुई बात कोई व्यक्ति इतना सीरियसली अपने लाइफ में ले, ले लेता है कि उसके अंदर एक एक यू uh, नो uh, you know, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है हमारा मजाक जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं जब हम किसी को बहुत ज़्यादा एम्बेस करते हैं हम किसी ऑनेस्ट व्यक्ति को के बारे में गलत बात बोलते हैं तो अगर उस व्यक्ति का विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो हमने तो उसे इमोशनल डेथ दे ही दी है वो छुप के रोता है वो बहुत डिप्रेशन में अपने डिप्रेशन में चला जाता है लाइफ को के चैलेंजेस को वो बिना किसी बताए अंदर ही अंदर सफोकेट होता है उसका दम घुटता है लेकिन अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो वो अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल लेता है लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारी इस पूरी दुनिया में अगर हम एस्टिमेट देखें तो सात लाख तीन हजार से ज्यादा लोग हैं इस पूरी दुनिया में जो हर साल हार जाते हैं उन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिलता उन्हें कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं मिलता ठीक है या तो उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहा है वो किसी लाइफ के एम्बेरसमेंट को या तो फेस नहीं कर पा रहे हैं उनका कोई बहुत बड़ा गिल्ट है अपने आप को वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आज आइए हम एक रेजोल्यूशन लें कि हम किसी की खुशी का कारण बने ना कि किसी के स्ट्रेस एनजाइटी और डिप्रेशन का किसी की आँख में आँसू लाने का हम कारण ना बने और अगर वो आंसू हो भी तो खुशी का आंसू हो दर्द का नहीं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी मजाक मजाक में हमें रियलाइज़ भी नहीं होता लेकिन हम किसी को इतना हर्ट कर देते हैं कि हम कहीं ना कहीं हिडन वे में उसकी मौत के ज़िम्मेदार बन जाते हैं आइए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को सेल्फ़लेसली केयर करें देना सीखें इस लालच में नहीं कि हमें क्या मिलेगा हमें लोग अच्छा समझ रहे हैं बुरा समझ रहे हैं कैमरा के लिए नहीं सोशल मीडिया के लिए नहीं ये तो एक जरिया है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं हम निजी जीवन में कैसे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है राइट right? तो आइए आज एक प्रॉमिस करते हैं हम अपने आप से कि हम अपने एक्शन के थ्रू इस दुनिया को एक आशा की किरण देंगे अपनी प्रॉपर केयर और अंडरस्टैंडिंग देंगे लोगों के ट्रस्ट को वैल्यू करेंगे और किसी को भी अपनी किसी भी ऐसी बात से हम हर्ट नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं हम उसके स्ट्रेस एनजाइटी या डिप्रेशन का कारण बन जाए एक बार निस्वार्थ सेल्फलेसली लोगों को प्यार करके देखिए अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और केयर दीजिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा आपको एंड ऑफकोर्स इन योर रियल लाइफ